राज्य की सबसे पुरानी रीजनल पार्टी यूकेडी में आज जमकर बवाल हुआ। देहरादून में हुए पार्टी कार्यक्रम में खूब लात घूसे चले हैं, होर्डिंग बैनर तोड़े गए और यहां तक कि हेलमेट फेंक कर भी मारा गया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने पूरे ऑफिस को घेर लिया। यूकेडी के राज्य मुख्यालय देहरादून में पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया था, जबकि दो दिन पहले ही यूकेडी ने अपने दो नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उससे विवाद बना हुआ था, लेकिन झगड़े की असली वजह बनी यूकेडी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन, जिसका एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है और यूकेडी के सबसे बड़े नेता काशी सिंह एरी और उनके समर्थक गठबंधन के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा लगातार विरोध कर रहा है और इसी को लेकर खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ। अंत में पुलिस ने पूरे पार्टी ऑफिस पर ही कब्जा कर लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि पार्टी का वोट 1% से भी कम हो गया है, लेकिन अब भी झगड़े कम नहीं हो रहे हैं। पिछली बार कार्यकारिणी ने तय किया था, हर साल की तरह इस बार भी 24-25 जुलाई को पार्टी का खुला अधिवेशन होता है। ये तो पार्टी में चलता रहता है कि कभी कोई भी मनमुटाव या कोई भी इस तरह की गतिविधि, पार्टी का जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके पास ये सर्वाधिकार है, उनका विवेक है ये कि वो किसी को भी चाहे तो निष्कासित करें, किसी को भी चाहे बहाल करते रहें, और ये राजनीतिक पार्टियों में होता रहता है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में वार्षिकोत्सव के दौरान BJP समर्थित ABVP और कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन में आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और ये सब होता रहा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में। यही नहीं, ABVP कार्यकर्ताओं ने तो मंच भी नहीं छोड़ा, उस पर भी तोड़फोड़ कर दी। ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया पर मनमानी का आरोप लगाया। देख सकते हैं आप तस्वीरें मंच पर कैसे मिलंत होते हुए नजर आ रही है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि कॉलेज प्रशासन वार्षिक उत्सव कराया जाएगा, जिसमें छात्र संघ अपनी जबरदस्ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसमें भागीदार हो रहा है और इसमें वसूली अवैध वसूली कर रहा है कार्यक्रम के नाम पे, और इसी विषय पे आज हम आए थे और यहाँ पे पता चला कि वार्षिक उत्सव को पूरा इन छात्र संघ वालों ने कैप्चर करके उसको अपने हिसाब से कार्यक्रम करा रहे थे, तो इसका हमने विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव संबंध द्वारा विरोध करा। और दिल्ली के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज CM पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की और गडकरी आवास पर जाकर CM धामी ने मुलाकात की। बैठक के बाद में CM ने कहा कि उत्तराखंड के हाईवे, रोपवे और साथ ही टनल के कई काम प्रभावित हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई। साथ ही कहा कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फ्लड डिमेजिंग का पुराना भुगतान को जारी करने को भी कहा गया है और मसूरी टनल को जल्द ही पूरा करने के लिए NHAI को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते कई काम रुके हुए हैं। CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ FDR के अंतर्गत जो हमारे राज्य के लिए फ्लड डैमेजिंग रोड्स हैं, उनके पुराना भुगतान है, उस भुगतान को भी उन्होंने पुनः उन सभी को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रेषित करने के लिए कहा है। और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते अगस्त्यमुनि और नगरासु क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। अगस्त्यमुनि ने पूरे बाजार में पानी भर गया है और लोगों के दुकानों के अंदर भी पानी भरने लग गया है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे का लगभग 20 मीटर हिस्सा धस गया है, जिसके चलते यहां वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है। नगरासु में भी सड़क का हिस्सा धसने से कई वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। बारिश से रुद्रप्रयाग जिले में यातायात व्यवस्था खस्ताहाल हो गई है और बद्रीनाथ हाईवे धंसने के बाद में रुद्रप्रयाग, पोखरी और कर्णप्रयाग मार्ग से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन इस रोड पर तेजी से बरसाती नाला बह रहा है, जिसे कि पार करना खतरे से खाली नहीं है। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो कभी भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। आज कल रात की जो भारी बारिश हुई उसके कारण गदेरा उफान पर है और वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें जो राहगीर हैं उनको हो रही है, और पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है
और जो लोगों को निकालने में वहाँ पर मदद कर रहा है, जो स्थानीय ग्रामीण है। चमोली के गौचर कमीड़ा भी बद्रीनाथ हाईवे लगभग 100 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग में लोग फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में कल देर रात को भारी बरसात होने की वजह से नदी नाले उफान पर बहने लग गए, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, धराली, गैरसैंड का संपर्क कट चुका है। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह मलबा और साथ ही बरसाती नाले बहने से सड़क पर सफर करना मुश्किल हो गया है। हालांकि रोड खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश सड़क खोलने में रोड़ा बनी हुई है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर स्थित कमेटा में के पास में 100 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे खोलने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लग सकता है। प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर पोखरी रुद्रप्रयाग रोड को शुरू कर दिया है, लेकिन इस रोड पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। और देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए लोग नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण फंस गए। यहां पर नदी में बनी अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव में बहती हुई नजर आई है, इससे कि नदी के दूसरे छोर पर 100 से अधिक लोग फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ ने सभी को सकुशल रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की है। बाढ़ बारिश में हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। पुरोला इलाके में सेब की फसल का नुकसान होने से किसान परेशान हैं, और पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि इस इलाके में 2019 में भी अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी और फिर एक बार किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 27 जुलाई को कृषि विभाग के सचिव हरिद्वार में कैंप करेंगे, जबकि पुरोला क्षेत्र में मंगलवार को ही अफसर पहुंचेंगे। विभागीय मंत्री जी से भी बात करूंगा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहना और भी कोई रिसोर्सेस है कहीं से, अगर कुछ होता है मेरे कृषकों के लिए, अगर कोई वरदान रूपी साबित होगा उनसे भी बात करेंगे। और पुरोला में जो हमारी फलों की क्षति भी है उसके लिए हम डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कल से वहां पर कैंप करेंगे, और उसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी राजस्व के साथ भारत सरकार के मानक के अनुरूप वन्य रास्ते खोज कर जो हर संभव मदद होगी उसको सिंह धामी की सरकार किसानों की करेगी। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और पिथौरागढ़ में हवाई सेवा की घोषणा एक बार फिर से हवा हवाई साबित होती हुई नजर आ रही है। दावा किया गया था कि 25 जुलाई से पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच उड़ान शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक ये मामला धर में लटका हुआ है। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने जीसीए की औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया है, लिहाजा हवाई सेवा में फिर से विलंब होगा। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि हवाई सेवा को शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में अब नया दावा यह किया गया है कि जुलाई के अंत तक या फिर हो सकता है अगस्त के स्टार्टिंग तक फ्लाइट उड़ेंगे। हालांकि तब भी ऐसा हो पाया कि पूरे तरीके से कन्फर्म अभी भी नहीं है। नैनीताल की मेट्रोपोल से अतिक्रमण तो हट गया, लेकिन अब दूसरी जमीनों पर कब्जे का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहां से हटाए गए लोग नई जगह की अब तलाश करने लग गए। देखिए रिपोर्ट। मेट्रोपोल से हटे 134 घरों को खाली करने के बाद में अब नैनीताल के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण होने की चिंता है। इसके सबसे ज्यादा जद में नैनीताल का रुकोट कंपाउंड है। CRST घोड़ा स्टैंड, सूखा ताल समेत कई ऐसी जगह है जहां इन अतिक्रमणकारियों के फिर से बसने की चिंता सताने लगी है। हालांकि सरकारी संपत्ति पर अवैध मकान न बन सके, इसके लिए शहर के जागरूक लोगों ने सरकार को पत्र लिखकर इन अतिक्रमणकारियों पर नजर रखने की मांग की है। ये इन्होंने ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया था कि बाहर से लोग बुला दिए थे, लेकिन शासन प्रशासन ने जो इस तरीके से काम करा है इनको हटाने का, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और नैनीताल में दोबारा ना दिखें इसलिए शासन प्रशासन को दोबारा निवेदन करते हैं और दोबारा हमने इनको ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी को, माननीय SSP नैनीताल को, माननीय IG को, माननीय कमिश्नर नैनीताल को।
दरअसल प्रशासन का मेट्रोपोल में अल्टीमेटम खत्म हुआ तो अतिक्रमणकारी अपना टीन से लेकर दरवाजे और लोहा तक उखाड़ ले गए। किसी ने कहीं शरण ली तो कोई कहीं चला गया। मेट्रोपोल से हटने के बाद में लोगों के घरों में शरण लिए अतिक्रमणकारी की नजरों में अब शहर के अन्य इलाके हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि इन पर उनकी भी नजरें हैं। आगे भी ये अभियान पूर्व से भी चल रहा है, लगातार आगे भी चलता रहेगा। जहां जहां भी गवर्नमेंट की ऐसी लैंड है जिस पर इलीगली लोग कब्जा करे हुए हैं, उसमें विधिवत तरीके से उनको नोटिसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, लगातार उनको हटाया जा रहा है। बहरहाल अतिक्रमण पर सरकार सख्त है और अगर नैनीताल में कहीं दूसरे हिस्सों पर कब्जा किया तो कार्रवाई के साथ केस दर्ज भी हो सकता है। ऐसे में नैनीताल के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को आसपास अवैध मकान न बनाने दें, ताकि भविष्य में मेट्रोपोल जैसी कार्रवाई आपके क्षेत्र में न झेलनी पड़े। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और वही ऋषिकेश के आरडीपीएल कॉलोनी में आवासीय भवनों को खाली कराना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। पहले चरण में 1500 घरों से भी स्थानीय प्रशासन को 227 घर को खाली कराया जाना है। जर्जर आवासों को ध्वस्त किया जाना है और अभी तक प्रशासन सिर्फ 50 घरों को ही खाली करवा पाया है और रविवार को संडे को 14 जर्जर भवन को भारी विरोध के बीच ध्वस्त किया गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी काफी हो रही है। मुख्य विपक्षी दल पार्टी कांग्रेस आवासीय भवनों में रह रहे कब्जेधारियों के पक्ष में लगातार समर्थन दे रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री ने भी मानसून सीजन में रह रहे लोगों को रहने का आश्वासन दिया है। अभी प्रशासन के कब्जेधारियों से भवन खाली कराने हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण भी करना है, लेकिन लोगों का विरोध इसी बीच काफी बढ़ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम शांत लोग हैं, हमको छेड़ा न जाए और हम जैसे रह रहे हमें वैसे रहने दिया जाए। और जैसे पुलिस ने जब हमने रोकने की कोशिश करी, उनको शांत पूर्वक रोकने की कोशिश करी, हमने कहा कहाँ जा रहे, उन्होंने हमें झूठ बोला कि आम बाग जा रहे हम। आपदा के सीजन में इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खतरे में है। पिथौरागढ़ में पुलिस ने नाचनी की जाकुला नदी में फंसी गाय को सुरक्षित बचाया। असल में ये गाय नदी के तेज बहाव में दूसरे छोर पर फंस गई थी, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसे में पुलिस के साथ में आपदा प्रबंधन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। और कोटद्वार के मालर नदी पर बना पुल टूटने के बाद से सिगड्डी ग्रोथ सेंटर और जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम रफ्तार से जो चल रहा था उस पर ब्रेक लग गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में माल की आवाजाही के लिए ट्रकों को अब नदी के बीच से ही जाना पड़ रहा है। नदी में बने पुल टूटने के बाद से भारी वाहनों के लिए आवाजाही के लिए एकमात्र विकल्प नदी से बीच से होकर जाना है। ऐसे में आए दिन नदी में ट्रक फंस जा रहे हैं। सैकड़ों ड्राइवर और कंडक्टर अपने वाहनों के साथ वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नदी के तेज बहाव को पार कर पाना मुश्किल हो चुका है। एक हफ्ते से इंडस्ट्रियल एरिया भारी घाटा झेल रहा है तो वहीं पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रोज आते हैं यहाँ तक, खड़े रहते हैं, शाम को अपना वापस ले जाते हैं। दूसरी दिक्कत यही है कि गाड़ी जो फंस जाती है उन्हें देख कर ऑर्डर लग जाता है, तीन तीन चार चार जेसीबी लगती हैं, उसके बाद भी निकलना नहीं हो रहा। नदी में पानी चल रहा है ज़्यादा, उसमें नीचे बैठ जा रही है गाड़ी पूरी, उसके बाद जेसीबी लगा रहे हैं। जेसीबी से नहीं काम चल रहा है तो क्रेन मंगा रहे हैं नजीबाबाद से, तब निकाल रहे हैं। बागेश्वर की कपकोट के प्राथमिक स्कूल कोट कुमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें क्लासरूम में बारिश का पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पानी भले ही क्लासरूम में काफी कम है, लेकिन बच्चों की मस्ती करने के लिए पानी काफी ज्यादा है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये स्कूल की तस्वीरें जहाँ क्लासरूम के अंदर पानी भरा हुआ है। लगाकर हरिद्वार की सड़कों पर बजाना एक शख्स को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया और युवक को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत भी दी।
गढ़वाल में कांग्रेस के नए स्वाभिमान यात्रा हो गए, लेकिन यात्रा बड़ा असर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। आगे प्लानिंग 50 से 60 दिन की यात्रा की है। बीजेपी ने भीड़ नहीं जुटने पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने कहा कि उन्हें बैठक और यात्रा में शेर चाहिए, गीदड़ नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जुलाई को कांग्रेस की न्याय स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण कोटद्वार में पूरा हुआ। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यात्रा 6 दिन चली। आगे पूरे प्रदेश में 60 दिन यात्रा की प्लानिंग पर काम चल रहा है। कमजोर कांग्रेस को चंपावत से चकराता तक पैदल चलना है और पब्लिक को साथ जोड़ना है, पर गढ़वाल की न्याय स्वाभिमान यात्रा में कम भीड़ जुटने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता बार बार नकार चुकी है, इसीलिए पदयात्रा में जनता और कांग्रेस नेता ही एक साथ चलने को तैयार नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि वो गुब्बारा जो है उड़ने से पहले पंचर हो गया, 30-30, 35-35, 40-40 लोग उसमें रहे, उसे स्वाभिमान न्याय यात्रा। उत्तराखंड के लोग और देश के लोग कांग्रेस को खारिज कर चुके हैं और कोई स्वाभिमान यात्रा उतरा यहां सफल होने वाली नहीं है। किसी भी तरह का जन समर्थन कांग्रेस के लिए आज देश में नहीं। बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मनीष खंडूरी को छोड़कर बड़े नेता साथ चलते नजर नहीं आए। ऐसे में जब चंपावत से न्याय स्वाभिमान यात्रा का दूसरा और फाइनल फेज शुरू होगा तब बिना भीड़ के यात्रा कैसी चलेगी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो उन्हें गिनती के शेर चाहिए, गीदड़ों की भीड़ नहीं। और पार्वती क्षेत्र में कोटद्वार में 2000 लोगों की भीड़ कम नहीं मानी जा सकती। हम पैसे देके गाड़ियां लगा के लोगों को नहीं बुलाते, हम जाते हैं, हम अपील करते हैं, उस अपील से जितने लोग प्रभावित होते आते हैं। और मैं चाहता हूं कि किसी भी बैठक में शेर आए, गीदड़ ना आए। मैं चाहता हूं सुनने वाले लोग 10 हों, ना सुनने वाले 100 लोगों की उस भीड़ से वो 10 लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। 2014 की हार के बाद से कांग्रेस न सांसद दे पाई न उत्तराखंड में सरकार बना पाई। ऐसे में गढ़वाल में न्याय स्वाभिमान यात्रा को मिले लो रेस्पॉन्स से बीजेपी खुश है, पर बिना बड़े नेताओं और कम भीड़ के बावजूद कांग्रेस खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन पर बसी कई मलिन बस्तियों और साथ ही वेडिंग जोन को हटाने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद में यहां बसे लोगों और साथ ही छोटे व्यापारियों को काफी नाराजगी भी देखी गई, उनमें गुस्सा भी देखा गया। विभाग के नोटिस के विरोध में स्ट्रीट वेंडर्स और साथ ही लघु व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नोटिस की कॉपियां भी चलाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यूपी सिंचाई विभाग उनका उत्पीड़न कर रहा है और यहां पर वेंडिंग जोन विकसित हो रहा है, तब सिंचाई विभाग सामने क्यों नहीं आया? उत्तराखंड गठन के 23 सालों में कई आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और कई बार फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम शिकायतों और फीडबैक के बाद अब जाकर फायर डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों की संख्या को रिवाइज कर दिया है। अब पहाड़ के स्टेशन में 16 कर्मचारी और प्लेन्स के स्टेशन में 42 कर्मचारी रखने को मंजूरी मिली है। सावन के महीने में भगवान भोले के धाम जागेश्वर में लोगों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। जागेश्वर का अपना महत्व है और सावन के महीने में यहां पूजा का खासा महत्व माना जाता है, जिसके बाद में जागेश्वर में हर रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है जो यहां भगवान शिव की पूजा कर रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दी, एक्सपोर्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सेक्टर 81 में भीषण आग लगी, 25 से ज्यादा दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। किसी के अंदर फंसे होने की फिलहाल सूचना नहीं है, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जिसकी वजह से आग लगी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है, भीषण आग, आग दूसरे फ्लोर पर भी पहुंच गई है क्योंकि इतनी भीषण आग की है कि अब धीरे धीरे ही अपना विकराल रूप धारण कर रही। थाना फेस्ट्री क्षेत्र में ये आगजनी हुई है।
तो सेक्टर 81 में ये फैक्ट्री स्थित है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर पहले आग लगी और धीरे धीरे आग फैलती चली गई, सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई आग। और धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आगजनी होगी। आग की लपटें भी आपको खिड़की के अंदर से नजर आ रही होंगी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि लाखों के नुकसान की संभावना है, लेकिन राहत वाली बात ये कि कोई अंदर अभी फंसा नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ।